नानपारा लखीमपुर मार्ग पर रायबोझा में 6 करोड़ की लागत से पुल का निर्माण कराया गया है। 1.5 माह पूर्व ही इस पुल से आवागमन शुरू किया गया है। बुधवार शाम को पुल एक साइड में धस गया। पुलिस और प्रशासन की ओर से पुल का ईंट रखकर आम लोगों को सचेत किया जा रहा है। ऐसे में पुल निर्माण करवाने वाली संस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बहराइच जिले में नानपारा लखीमपुर मार्ग पर मोतीपुर तहसील के रायबोझा में करीब 6 करोड़ की लागत से पुल का निर्माण 2 माह पूर्व पूरा किया गया है, जहां पुल का एक हिस्सा नीचे धस गया। सवाल है कि आखिर अब ये पुल कैसे नहीं धसेगा। यहां 40% कमीशन नेताओं से लेकर अधिकारियों तक, 20% ठेकेदार का मुनाफा। अब 40% में काम होगा तो उसकी क्वालिटी भी वैसी ही होगी, फिर वो काम चाहे जिस निधि से हुआ हो। पता सबको है लेकिन सब जानकार अनजान बनते हैं। यहाँ अगस्त में पानी अधिक होने पर वैकल्पिक रास्ता पानी में बह गया था, जिस पर लगभग 1.5 माह पूर्व पुल से आवागमन शुरू किया गया। बहराइच और लखीमपुर जनपद के लोग आसानी से आवागमन कर रहे थे। बुधवार शाम को पुल का एक हिस्सा नीचे धस गया। इसकी जानकारी होते ही क्षेत्र के लोगों में हड़कंप मच गया। तहसील के साथ पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। मौके पर मोतीपुर थाना के पुलिस पहुंच गई, तहसील के अधिकारी भी पहुंच गए। काफी लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुल पर एक क्षेत्र में ईंट लगाकर आवागमन के लिए सचेत किया गया है। लोगों को आशंका है कि कहीं पुल और नीचे न आ जाए, जिससे आवागमन खतरे में पड़ जाए। हालांकि अभी ऐसी कोई नौबत नहीं दिख रही है, लेकिन क्षेत्र के लोगों में दहशत जरूर है। लेकिन आवागमन चल रहा है। उन्होंने बताया कि लोगों को जागरूक किया जा रहा है। अनिल कुमार मौर्य, दफ्तर से जिला ब्यूरो चीफ। मैं इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये अगले साल बाढ़ में ये पुलिया जो था क्षतिग्रस्त हो गया था, और क्षतिग्रस्त होने के बाद इस पर करोड़ों रुपया खर्चा हुआ, और करोड़ों रुपया खर्चा करने के बाद ये नया निर्माण हुआ और उससे बड़ा निर्माण हुआ। और अभी आप देख सकते हैं कि इसको चालू हुए हमको लग रहा है कि ये मुश्किल से एक महीना हुआ, और एक ही महीने में इसके बीच में धराशायी हो गया। इतना घटिया किस्म का मटेरियल अगर यूज होएगा, और किसी प्रकार का अगर वो पुल धराशायी होते रहेंगे तो अनगिनत एक्सीडेंट, लोग यहाँ पे लोगों का हादसा भी हो सकता है। और अभी हम आपको दिखाते हैं कि सुबह जब मैं आया था, छेद हो गया था, और इसकी जो ऊपर का छत था ये नीचे गिर गया था। और अच्छा था कि कोई यहाँ पे हादसा नहीं हुआ, कोई बड़ी हादसा का कोई शिकार नहीं हुआ। अभी फिलहाल हमारे पास एक व्यक्ति है जो यहाँ पे देख रेख कर रहे हैं। मैं उनसे पूछता हूँ कि भैया ये छेद कैसे हुआ। तो भैया आपका नाम क्या है और आपने इससे काम किया था? हमारे भाई किए थे, अच्छा। तो ये कैसे कटा हुआ था, कितना कटा हो गया था? ये पूरा नीचे तक कटा हुआ है, पूरा नीचे तक। और अभी काम चालू है, नीचे गिरा है। हाँ, निकाल रहे हैं, मजदूर लगे हुए हैं। और यहाँ पे देखने के लिए कौन कौन आया था? बाहर से अधिकारी लोग, अब जो तो पता नहीं होगा कि गाड़ी देखिए, गाड़ी दाहिने से निकले, अच्छा इधर से ना निकले, इसीलिए आपके यहाँ पे ड्यूटी लगाया गया। अच्छा, नीचे सेटिंग लगी है और नीचे अभी कार चालू है। और ये इसको बने हुए पुल को कितने महीने हो गए? एक महीना हो गया। और उसके एक महीना होने के बाद ये धराशायी हो गया। कितना धराशायी? अभी आपने देखा कि यहीं के रहने वाले हैं, और इनके भाई जो हैं यहाँ पे कार्य किए थे, और ये इनको देख रेख के लिए लगाया गया कि गाड़ियाँ इधर से ना आए, उस साइड से क्रॉस कर जाए। और नीचे अभी भी मजदूर लगे हुए हैं इस पुल के नीचे। मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये कितना बड़ा जो है ये बनाया गया हो, और इस प्रकार से जो पुल है और इसके नीचे सेटरिंग का काम चालू अभी भी। और अभी हम आपको दिखा सकते हैं कि इससे पहले, इधर मैं आपको दिखाता हूँ, आप आइए, कि ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे कई लाख रुपए लगा कर आप देख सकते हैं, जो ये जो बाईपास रोड बनाया गया था। और बाईपास रोड बनाने के बाद भी वो खंडहर हो गया। और बाढ़ जो आई थी कोई खास बाढ़ नहीं थी, उसके बाद भी ये धराशायी। और इतना घटिया लापरवाही के कारण ये जो पुल बनाया गया इतना जल्दी धराशायी हो जाएगा ये कोई सोच नहीं सकता था। ये भगवान का शुक्र है कि यहाँ पे कोई बहुत बड़ा हादसा नहीं हुआ, और सब। और यहाँ पे सुबह
अधिकारी लोग आए थे, फटाफट जो भी इनको यहाँ पे कार्य करना था करके गए। और मैं आपको बता दूं कि करोड़ों रुपया, कईयों करोड़ रुपया खर्चा हुआ इसको बनाने में। ये सिर्फ कमीशन खोरी के चक्कर में घटिया मटेरियल डालकर ये उपयोग किया गया है। और इसमें सबसे पहले तो कमीशन, मैं बता देता हूँ कि ऊपर से अधिकारी से लगाकर निचले स्तर तक के अधिकारी, यानी जेई से लगाकर हर एक अधिकारी जो भी है और उचले स्तर के अधिकारी, यहाँ पे आपको मैं बता दे सकता हूँ कि ये तो यहाँ पे कमीशन, ये कमीशन के चक्कर में ये खाली ये अड्डा आपको देखने को मिला है। और अभी भी हमारे पास एक भाई साहब आया हुए हैं और यहाँ के भाजपा के जो आ रहे हैं, भाई साहब ये बताइए जो पुल बना हुआ है कितने दिन हुआ बने? उसको 1.5 महीने हो गए लगभग। लगभग 1.5 महीने हो गए। तो आपको ये मतलब यहाँ पे देखेंगे किस प्रकार से गड्ढा हुआ है? बहुत बुरी तरीके से, कोई अभी कोई अनहोनी तो हुआ नहीं? अभी हुआ नहीं, लेकिन अगर ध्यान नहीं दे दिया हो जाता। तो भाई साहब आपका नाम? प्रमोद वर्मा। कहाँ से है? भैया ये बनाने में कितना लागत लगा होगा लगभग? तो अनुमानित लागत 6 करोड़। 6 करोड़ में बनाया गया। और उसके बाद आप क्या कहना चाहते हैं सरकार? यही कहना चाहते हैं कि सरकार दोषी है, क्योंकि इस तरीके से अगर होता रहेगा तो पैसे का दुरुपयोग हम लोग का होता रहेगा। और तो अभी आपने देखा कि भाजपा के महिला मोर्चा अध्यक्ष है और इन्होंने यही बताया है कि ये जो कर्मचारी और अधिकारी जो भी हैं इस पे, उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। और इस प्रकार के घटिया काम से सब लोग नाखुश हैं। और अगर जो सरकार के पैसे का इस प्रकार से बंदरबांट होता है तो यह सरासर गलत है। अभी मैं आपको नीचे का वीडियो दिखाता हूं कि किस प्रकार से है। अभी आप देख सकते हैं ये यहां से लेके इतने दूर का जो छत था और धराशायी हो गया नीचे, ये पूरा मटेरियल पड़ा हुआ है और कितना घटिया मटेरियल है आप ये देख सकते हैं। अभी भी कार्य चालू है, कार्य प्रगति पे है, कोई हादसा नहीं हुआ। आप देख सकते हैं सीधे कैमरे में कि ये पूरा वहाँ से लेकर वहाँ तक का छत जो है धराशायी हो गया। अभी ये लोग यहाँ पे कार्य, आप क्या कर रहे हैं भैया? तो बैठे हैं, मतलब ये आप ही के देख रेख में होंगे? नहीं नहीं, तो गांव के आए। अच्छा, गांव के आए हो भैया आप? अरे हम तो भैया कौन कहा था बहाने के लिए भैया? अरे कोई कहा नहीं, यही नहीं तो कोई आज ठेकेदार। अच्छा, यहाँ पे जो ठेकेदार आए हुए थे उन्हीं का कहना है कि इसको देख रेख करिएगा। और ये देखिए किस प्रकार से सेटिंग करके गया है, ये कितना घटिया कार्य हुआ है आपका ये दिखाई दे रहा है और प्रमाणित कर रहा है कि ये बीजेपी सरकार ने इस तरह के घुसखोर और कमीशन खोर लोग जो हैं सरकारी पैसे का किस प्रकार से दुरुपयोग कर रहे हैं आप हमारे कैमरे में देख सकते हैं। और कितना बड़ा ये हादसा होने से बचा है, अगर कोई बाय दफे कोई मरा नहीं है और ना कोई गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई है, बच गया है क्योंकि रात का टाइम था और जब टूटा पुलिया धंसा तो कई लोगों ने देखा और वहाँ पे आके आवागमन जो होता है वो रोका गया। क्योंकि ये जो हाईवे है नेशनल हाईवे है और इस पे दूर दूर की गाड़ियाँ आती जाती हैं और आए दिन ये रास्ता रात दिन 24 घंटा चलता है और ये नेशनल हाईवे है। तो आप सोच सकते हैं अगर नेशनल हाईवे पे इस प्रकार का घटिया कार्य होता है तो ग्राम सभाओं और ग्रामीणों में क्षेत्रीय लोगों में किस प्रकार से काम होता होगा। बाकी का राय हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। जानकारी के मुताबिक यहां रायबोझा में जिस स्थान पर पुल का निर्माण हुआ है उस स्थान पर 1 वर्ष पूर्व पुराना पुलिया बाढ़ के पानी में बह गया था, जिसके चलते बाईपास सड़क मार्ग बनाया गया था उस पर आवागमन हो रहा था। 1 वर्ष तक बाईपास से आवागमन हुआ था लेकिन पानी में वैकल्पिक मार्ग के बहने से 1.5 माह पूर्व आवागमन शुरू होने के बाद एक बार पुनः लोगों के मन में संशय होने लगा है। लेकिन जिम्मेदार अधिकारी का कहना है कि नानपारा लखीमपुर मार्ग पर रायबोझा में पुल का निर्माण हुआ था जिस पर आवागमन हो रहा था, पुल एक तरफ धसी है इसकी जानकारी हुई है। मामले की जांच विभाग कर रहे हैं, इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।